नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आए हुए मैसेज का जवाब देना चाहूँगा। मेरे पास जो मैसेज आया है वो है विक्रम कोठारी जी का। इन्होंने लिखा है, आई एम ऑनर एंड माई सिटिंग इज इन साउथ वेस्ट 224 डिग्री फेसिंग इन द ऑफिस। व्हाट शुड आई डू? शुड आई रीडिज़ाइन द ऑफिस? देखिए विशाल जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका ऑफिस जो आपका अपना पर्सनल कैबिन है वो साउथ वेस्ट जोन में है, वो आपका सबसे अच्छा ऑफिस माना जाता है। किसके हिसाब से? वास्तुशास्त्र के हिसाब से। वास्तुशास्त्र के हिसाब से साउथ वेस्ट जोन घर के मालिक की होती है। आप ऑफिस में ऑनर है, आपकी सिटिंग भी साउथ वेस्ट जोन में होनी चाहिए। साउथ वेस्ट जोन का जो ऑफिस है वो हमेशा ही अच्छा रहता है। डिपेंड करता है कि ऑफिस की सेटिंग कैसे है। कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे को नहीं मालूम कि आपका ऑफिस किस प्रकार से कैसे बना हुआ है, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। इसी के साथ आप मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार नहीं, दो तीन बार जरूर देखिएगा। मान लीजिए ये आपका अपना ऑफिस है, आपके ऑफिस की एंट्रेंस कहीं से भी है, आपका ऑफिस साउथ वेस्ट जोन में बना हुआ है, उसकी एंट्रेंस आपकी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से, ईस्ट वॉल से है या नॉर्थ वॉल से है, आपकी जो सीटिंग है वो आप यहाँ पर बैठते हैं, नॉर्थ की ओर फेस करते हैं, या आप वेस्ट में बैठते हैं और ईस्ट की ओर फेस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ आपकी अपनी सीटिंग है उसमें आपने किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी पीठ पीछे कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। यदि आप यहाँ पर बैठते हैं और सामने आपकी टेबल है, तो यहाँ पर वेस्ट में भी आपके पीठ पीछे कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। यदि कोई खिड़की होगी तो आपके काम हमेशा ही स्लो चलेंगे, क्योंकि आपकी पीठ, आपकी बैक कमज़ोर है, तो उसकी वजह से आपको भी इसके इफ़ेक्ट देखने को जरूर मिलेंगे। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, और ये हकीकत भी है, जिस व्यक्ति की पीठ मजबूत होती है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है, साउथ वेस्ट में ऑफिस है और आपके ऑफिस का फ्लोर लेवल यदि नीचा है, डाउन है, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको रीडिज़ाइन अपने ऑफिस को जरूर करना चाहिए। फ्लोर लेवल यानी साउथ वेस्ट का जो फ्लोर लेवल है, ये हमेशा ही पूरे ऑफिस के फ्लोर लेवल से ऊंचा होना चाहिए। अगर आप अपने ऑफिस में बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं, मेरे को नहीं मालूम आपके ऑफिस में आपकी वर्किंग क्या है, आपके ऑफिस की वर्किंग किस चीज़ की है, आप क्या काम करते हैं, आपका ट्रेडिंग का काम है, आपने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है और ऑफिस के अंदर बैठकर आप उस चीज़ को हैंडल करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप इस प्रकार से फ्लोर लेवल नीचा है इसको ऊंचा कर लेते हैं, तो आप अपने काम को कई गुना आगे और बढ़ा सकते हैं। पीठ पीछे विंडो है तो इस विंडो को बंद करने से भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएंगे। यदि वेस्ट में विंडो है तो वेस्ट की विंडो को बंद करें, साउथ में विंडो है तो साउथ की विंडो को बंद करें। विंडो को बंद करते ही अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। यदि आप यहाँ पर इस जोन में बैठते हैं, यहाँ पर आपकी अपनी टेबल लगी हुई है, तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आप अपने ऑफिस के इस कॉर्नर में बैठें तो आपको रिजल्ट अच्छे जरूर मिलेंगे। आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं ईस्ट की ओर फेस करके, तो भी आपको रिजल्ट अच्छे जरूर मिलेंगे। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना, यदि आपके साउथ वेस्ट के ऑफिस में ग्रीन कलर है, कौन सा कलर, ग्रीन कलर, तो भी आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। आप अपने ऑफिस में कौन सा कलर कराएं जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छे मिले, क्रीम कलर, येलो कलर, और आप यहां पर कौन सा कलर करा सकते हैं, बेज कलर,
इन तीनों में से कोई भी कलर कराएंगे या इन तीनों कलर की मैचिंग कराएंगे तो आपके ऑफिस में वर्किंग बहुत बढ़िया निकल कर आएगी। अब इसी के साथ मैं आपको एक ख़ास बात और बताना चाहूँगा, आपकी अपनी जो चेयर है, यदि चेयर आपकी ब्लैक कलर की है तो आप अपनी चेयर के ऊपर क्रीम कलर का टॉवल ज़रूर डालें। ऐसा करने से भी आपकी सीट मजबूत हो जाएगी और आपके काम में प्रोग्रेस आपको ज़रूर मिलेगी। चाहे आपकी सीटिंग नॉर्थ की ओर फेस करती हुई है या ईस्ट की ओर फेस करती हुई है, दोनों पर आप क्रीम कलर का टॉवल डालेंगे तो भी आपको रिजल्ट बेहतर मिल जाएंगे। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अपने ऑफिस को सही कर सकते हैं, अपनी सीटिंग को सही कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाए। मैं हर रोज़ साइट विजिट पर जाता हूँ और मेरा अपना जो 24 सालों का अनुभव है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है लाइफ में, कैसे लोग बाग ऊपर की ओर प्रोग्रेस करते हैं और कैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, क्या कारण बनता है जिसकी वजह से आदमी ग्रोथ करता चला जाता है और क्या कारण बनता है जिसकी वजह से आदमी डाउनफॉल की ओर आता चला जाता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को हर साइट पर ज़रूर मिलता है। हर आदमी की अपने काम करने की टेक्निक भी अच्छी होती है, वो पैसा भी भरपूर लगाता है, उसके पास स्टाफ भी ऐसा होता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मार खा जाता है। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी हो सकता है। आप अपने घर का वास्तु सही करेंगे, आप अपने ऑफिस का वास्तु सही करेंगे या आपकी अपनी फैक्ट्री है उसका वास्तु सही करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका अपना ऑफिस है तो इस प्रकार से सेटिंग करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर ज़रूर मिलेंगे। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भी हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवा सकते हैं। आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। आप अपना नया घर बना रहे हैं या रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक भी आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को अपने सर्कल में शेयर जरूर करें, हो सकता है मेरी वीडियो किसी व्यक्ति के काम आ जाए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो यानी 450 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो सभी वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। मैं अपनी हर एक वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूं और उस जानकारी में अपना अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई है जो घर से रिलेटेड भी है, इंस्टीट्यूट से भी रिलेटेड है, स्कूल से भी रिलेटेड है और फैक्ट्री से भी रिलेटेड है। आपका अपना शोरूम है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आपका अपना फ्लैट है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है और अलग अलग तरीके से बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है मैंने, जिसको आप सुनकर समझकर अपने यहाँ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।